हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल रिजोनिया। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो नई यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से केवल एक सेटिंग को ऑन करके हम अपनी सारी यूट्यूब वीडियोज़ पर अपने चैनल का वाटरमार्क लगा सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये वादा करते हैं कि यदि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको इस टॉपिक रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी। सो, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको अपना चैनल डेस्कटॉप मोड पर ओपन करना है। तो दोस्तों, आपको हम अपना चैनल डेस्कटॉप मोड पर ओपन करके दिखाते हैं। तो चलिए करते हैं यूट्यूब पर क्लिक, और यूट्यूब चैनल अपना इस तरह से डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, इस चैनल को डेस्कटॉप मोड पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो हमको जाना है जो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड या अपना चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। तो यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अपने चैनल का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो चैनल डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जूम करके दिखाते हैं हम आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन, जो कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो हमारे सामने चैनल कस्टमाइजेशन में ये तीन ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, और ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हमको ये बीच वाला जो ऑप्शन है, ब्रांडिंग वाला, इसमें जाना है। ब्रांडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, चैनल का लोगो, चैनल का बैनर और ये सबसे नीचे वीडियो वाटरमार्क। तो सबसे नीचे जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो वाटरमार्क, इस पर हमको अपना वाटरमार्क लगाना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी वाटरमार्क अपनी वीडियोस पर नहीं लगा के रखा है, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं नीचे राइट हैंड साइड ये अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पर वाटरमार्क लगाने के लिए आपको ये अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको हम ये क्लिक करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से हमारी सारी गैलरी के फ़ोटोज़, जो भी जितने भी फ़ोटोज़ हमारी गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, वो इस तरह से ओपन हो जाते हैं। तो जिस भी फ़ोटो को आप अपने वीडियोज़ में वाटरमार्क के तौर पर लगाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आप अपनी वीडियोज़ में अपने चैनल का लोगो ही वाटरमार्क के तौर पर लगाना चाहते हैं, तो उसको ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमको अपनी वीडियोज़ में अपने चैनल का लोगो ही वाटरमार्क के तौर पर लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर राइट हैंड साइड डन वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं अपने फ़ोटो को, उसको क्रॉप कर लीजिएगा। और ये सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सेव होने के बाद आप कुछ इस तरह से देखेंगे, तो आपकी वीडियोज़ में कुछ इस तरह से राइट हैंड साइड नीचे की तरफ अपने चैनल का ब्रांडिंग वाटरमार्क इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप वीडियो के अंत में लगाना चाहते हैं, या फिर किसी भी फिक्स टाइम में लगाना चाहते हैं, या फिर फुल वीडियो में लगाना चाहते हैं। तो आप अपनी वीडियो के जिस भी पार्ट में अपने चैनल का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो के स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद अपनी वीडियोज़ में वाटरमार्क दिखाना चाहते हैं, तो हम वो टाइम सेट कर देते हैं। और टाइम सेट करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट हैंड साइड, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, तो ये सबसे ऊपर राइट हैंड साइड ये ब्लू पट्टी में पब्लिश वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको हमको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे नीचे ये इस तरह का पॉपअप हमारे सामने ओपन हो जाता है, और आपकी सभी YouTube वीडियोज़ में वाटरमार्क ऐड हो जाएगा और आपकी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिखने लग जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी सभी YouTube वीडियोज़ में अपने चैनल का वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।